इंग्लिश और बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया है। तो बाकी लैंग्वेजेस का तो नहीं पता, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फिल्म की इंग्लिश की, तो फिल्म की इंग्लिश जैसे कि हर बार बेस्ट ही होती है, लेकिन इस फिल्म में एक अलग ही एलिमेंट था। फिल्म की कॉमेडी पंचलाइंस इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और अब उसकी कंपैरिजन हिंदी डबिंग के साथ की जाए तो संकेत मात्रे ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट दी है। मुझे लगता है उनकी हिंदी डबिंग इस फिल्म के लिए बिल्कुल अच्छी है। हालांकि फिल्म में बीच बीच में कुछ वर्ड्स को चेंज किया गया है, लेकिन अब इंडिया है तो इसने छोटे मोटे पॉइंट्स चल जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में ज्यादा फालतू डबिंग नहीं की गई है, जैसी फालतू डबिंग हमें डेडपूल 2 में देखने मिली थी और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर फिल्म में, जहां पर सनी पाजी का रेफरेंस, ABCD और मेहंदी वड़ा जैसे रेफरेंस थे। ऐसी और भी काफी सारी हॉलीवुड मूवी है जिनकी हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा बेकार थी, और आज भी मैं ड्वेन जॉनसन की फिल्म जर्नी 2 को नहीं भूला हूं, और उसी लेवल की घटिया डबिंग डेडपूल 2 की थी। लेकिन अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं शज़ाम फिल्म की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फिल्म की हिंदी डबिंग अच्छी है और ज्यादा चीप वर्ड यूज नहीं किए गए हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा बेकार लगे। हर एक हिंदी डबिंग जोक्स पर आपको हंसी भी आएगी और काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो अब जो भी लोग ये कहेंगे कि इस फिल्म की हिंदी डबिंग बेकार है, ये है वो है, तो उन लोगों के लिए एक ही बात है कि भाई इस फिल्म की हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है और हर एक कैरेक्टर पर उनकी हिंदी वॉइस मुझे काफी पसंद आई। तो जिन लोगों को फिल्में हिंदी में देखना पसंद है वो लोग इस फिल्म को हिंदी में ही जाकर देखें, और जो लोग मूवीज को इंग्लिश में ही देखते हैं उन लोगों के लिए सजेशन है कि वो लोग जाकर इस फिल्म को इंग्लिश में ही देखें। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, फिल्म में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती का ऐड किया गया है, लेकिन उन सब के बावजूद भी इस फिल्म की हिंदी डबिंग मुझे तो काफी पसंद आई, इसलिए मैंने इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखा, ताकि मैं ये कंपेयर कर सकूं कि इस फिल्म की हिंदी डबिंग में कितने ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आए, और एक बार फिर से संकेत मात्रे ने अपनी वॉइस से ये साबित कर दिया कि वो हिंदी डबिंग में मास्टर है और उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता दूसरे डबिंग आर्टिस्ट से। वेल, तो ये थी मेरी राय शज़ाम फिल्म की हिंदी डबिंग को लेकर। तो अगर आपने इस फिल्म की हिंदी डबिंग देखी है तो आपकी क्या राय है इस फिल्म की हिंदी डबिंग को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म की हिंदी डबिंग पसंद आई भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो